नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कांग्रेस कैसे और मजबूत हो, इसके लिए राजस्थान में चिंतन शिविर में काफी मंथन किया गया कि आगे कांग्रेस को कैसे विस्तार किया जाए, कांग्रेस को कैसे और मजबूत किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। क्या लगता है कि चिंतन शिविर में जो भी बातें हुई उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उस चीज़ को कांग्रेस फॉलो करेगी? एकला चलो के रास्ते को जो है कांग्रेस अपनाने में लगी हुई है, इसे आपके सहयोगी जो दल जो रहे हैं राजद, उनको भी नाराजगी है कि क्षेत्रीय पार्टी को अगर कांग्रेस इग्नोर करती है तो जो हश्र हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, राजस्थान के उदयपुर में हमारा 3 दिनों का चिंतन शिविर हुआ, जिसमें पूरे देश के चुनिंदा लोगों को पार्टी ने बुलाया था, बड़े नेताओं को भी बुलाया था, और उसमें गहन चिंतन विचार विमर्श हुआ, और पार्टी ने कई मुद्दों पर नीतिगत फैसला लिया है। जो आने वाले समय में आपको लगेगा कि कांग्रेस संगठन में नया स्वरूप, आमूलचूल परिवर्तन कह सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक वो दिखाई देगा। मुख्य रूप से उसमें ये तय किया गया है कि हम एक पद पर एक ही व्यक्ति को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखेंगे, 4 साल 5 साल के बाद उसमें परिवर्तन होना है, और जिनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी उनके लिए संगठन और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ही ये भी देखना होगा कि उनकी उम्र सीमा क्या है। तो पार्टी ने तय किया है कि हम प्रायः बुजुर्ग नेताओं का सलाह तो लेंगे, उनके अनुभवों का फायदा उठाएंगे, लेकिन संगठन में 50 साल के नीचे के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो कंपैरेटिवली एक यंग चेहरा कांग्रेस का जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आपको दिखेगा। एक ही पद पर कोई व्यक्ति अगर लगातार कई सालों से बैठा है तो वह परिवर्तन किया जाएगा। कांग्रेस का मानना है कि परिवर्तन जो है गतिशीलता का परिचायक है, तो समय समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिए, इसलिए पार्टी ने ऐसे फैसले लिए। समाज के हर वर्ग के लोगों को, खासकर युवा और महिलाओं को, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संगठन में प्रमुखता दी जाएगी, और नया लीडरशिप लाने का कोशिश होगा। जहाँ तक रही गठबंधन की राजनीति को लेकर, तो कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में स्पष्ट किया है, समान विचारधारा के दलों के साथ हम गठबंधन को तैयार हैं। अब पता नहीं RJD के नेताओं को कहाँ से क्या जानकारी मिली, और वो कांग्रेस के बारे में आजकल उनको आदत हो गया है कुछ कुछ खिलाफ़ बोलने का, तो बोल दिए। मैं इतना ही उनको कह सकता हूँ कि अन्य पार्टी के निर्णयों के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए, तभी कमेंट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और कोई अगर ये कहता है कि क्या हश्र हुआ है, तो वो भ्रम में ना रहे, ऐसे लोग उन्हें रियलिटी का सामना करना चाहिए और समझना चाहिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही हम भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को अलग करके अगर कोई दल या कोई क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो ये सोचता है कि कोई चमत्कार कर लेंगे, तो मुगालते में है, ऐसा संभव नहीं। क्या लगता है जिस तरह से जीतन राम मांझी ने एक सीट की मांग की है, चाहे वो राज्यसभा की हो या फिर बिहार विधान परिषद की, जब नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने साफ तौर से कह दिए हैं कि मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको ही मांगता है। क्या लगता है कि जदयू देने के पक्ष में नहीं है? देखिए, ये मांझी जी को भी पता है कि NDA में वो हैं, लेकिन NDA में अब उनकी और उनके पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बचा है। खामखा कुछ चीज़ों को मीडिया में बयानवान दे के अपने आप को हल्का कर लेते हैं, मांझी जी एक प्रमुख नेता है इस राज्य के, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यवहार करती है अपने सहयोगियों के साथ, हम लोगों ने हाल ही में देखा है मुकेश सहनी के साथ क्या किया, तो मुझे ये नहीं लगता कि मांझी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन मांझी जी के लिए NDA में कोई जगह नहीं, जितना जल्दी वहाँ से वो बाहर आ जाए उनके और उनके पार्टी के लिए बेहतर है। एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन ये मुद्दे पर BJP जो है बोलने में
एतराज़ जता रही है। सहयोग कार्यक्रम में नेता मंत्री पहुंचते हैं, जहां मीडियाकर्मी जब सवाल करते हैं, तो नीतीश कुमार के जो भी ऐसे मुद्दे हैं उसको वो छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझते हैं। क्या लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार का बिहार में भय व्याप्त है बीजेपी के अंदर? दिल्ली में लाखों डंका बजा लें और कुछ भी बोल लें, लेकिन बिहार में अभी भी नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार में सिर्फ JDU के ही नहीं, NDA के नेता है। तो भाजपा के जो कोई मंत्रीगण हैं उनके नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। स्वाभाविक है अपने नेता के खिलाफ या उनके विचारों के अतिरिक्त कोई अलग से राय देने की हैसियत बीजेपी की भी नहीं है बिहार में। तो वो वही लोग उतना ही बोलते हैं जितना नीतीश जी को पसंद हो। अब इसको आप भाई कहिए या जो कहिए, आदर कहिए, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि बिहार में भाजपा का भी नेता नीतीश जी ही है, सरकार के भी नेता नीतीश जी है। तो नीतीश जी के सोच से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकती। बिहार में उनको अगर एक कदम चलना ही है तो नीतीश कुमार जी के ही परामर्श और मार्गदर्शन में ही उनको चलना होगा। जहाँ तक रही बात विशेष राज्य के दर्जा और जातीय जनगणना की, तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश जी, इन दोनों मुद्दों पर गंभीर नहीं है। हम लोगों ने पिछले बजट सत्र के दौरान देखा, जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तो उस अभिभाषण में एक शब्द की चर्चा न तो विशेष राज्य के दर्जा पर है, न जातीय जनगणना पर है। और केंद्र सरकार डबल इंजन के हिस्सा है कहने को ये लोग, लेकिन केंद्र सरकार ने तो सर्वदलीय बैठक के बाद जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से जाकर मिला था, तो केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, स्पेशल स्टेटस भी नहीं देंगे। ये नीतीश जी को भी पता है, बिहार भाजपा को भी पता है। उसके बाद फिर से सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, कितने बार करेंगे? एक मुद्दे पर बार बार सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता क्यों है? अगर आप कमिटेड हैं कि आप चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, तो कौन रोक रहा है आपको? बिहार सरकार अपने खर्चे से कर दे। लेकिन नीतीश जी को जातीय जनगणना न कराना है, न स्पेशल स्टेटस बीजेपी को देना है, लेकिन इन दो मुद्दों पर बार बार मीटिंग करना, बयान देना, ये JDU के आदतों में शामिल है। ये लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह का हरकत नीतीश जी और उनकी पार्टी समय समय पर करती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस से MLC प्रेमचंद मिश्रा जी, उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि बिहार में BJP की हैसियत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल सकें, क्योंकि वो सिर्फ JDU के नेता नहीं है बल्कि वो BJP के भी लीडर हैं, पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मंत्री जो हैं उनके खिलाफ बोलना उचित नहीं समझते हैं। BJP तो पहले ही फैसला कर चुके हैं, यानी कि केंद्र सरकार, जो केंद्र में जो उनके लीडर हैं, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिए हैं कि बिहार में न तो जातीय जनगणना होगी, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।